सशस्त्र सीमा बल अपने शहीद जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को शहादत दिवस मनाता है, लेकिन इस वर्ष सेना के जवान पूरे अक्टूबर माह उनकी याद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन शहीदों की याद में एसएसबी के जवानों ने ब्रास बैंड की धुन पर उन्हें याद करते हुए अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। रामगढ़ ताल स्थित लेक व्यू पर एसएसबी फर्टिलाइजर के तत्वाधान में जवानों ने बैंड धुन बजाकर शहीदों को याद किया। इस दौरान एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट विवेक ओझा सहित अन्य जवान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया। ये जनरली हम अपने पुलिस के सशस्त्र बलों की शहादत को याद करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। सीआरपीएफ के कुछ लोगों ने शहादत की थी, 21 लोगों ने, जिसके संबंध में हम शहादत दिवस मना रहे हैं। 21 अक्टूबर को है हमारा शहादत दिवस, लेकिन सशस्त्र सीमा बल ने यह तय किया है, निर्देश ऊपर से हायर हेडक्वार्टरों से ऐसा निर्देश भी है कि हम इस शहादत दिवस को पूरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इंजॉय करेंगे और पब्लिक को यह जनमानस को पता चले
हमारी पब्लिक को कि हम शहादत किए हैं और हमारे देश के लोग शहादत दिए हैं, इसकी वजह से आज सभी लोग स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रह सकते हैं, उसी को याद करते हुए कर रहे हैं। इसमें प्रोग्राम इस प्रकार रहता है कि हमारा ब्रास बैंड का शो चल रहा है, जिस ब्रास बैंड में छोटे छोटे ये अपने शो को देंगे, जिसमें इक्विपमेंट है, म्यूजिक है, इसको एंजॉय करें और इसके साथ साथ लोग ये भी जाने कि सशस्त्र बल की शहादत क्या होती है।